दोस्तों सेवैया तो आपने कई बार खाई होगी, लेकिन आज जो मैं बनाऊंगी सेवैया कस्टर्ड डिजर्ट, वो शायद पहले आपने कभी नहीं खाई होगी। तो अभी हम बनाएंगे सेवैया कस्टर्ड फालूदा डिजर्ट। ये बहुत ही आसान तरीके से बनता है और बहुत ही यम्मी होता है ये। चलिए बनाते हैं। इसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है, उस पर घी डाल रही हूँ और इसमें अब हम सेवैया को फ्राई करेंगे, थोड़ी देर भूनेंगे जब तक कि इसका कलर हल्का चेंज नहीं हो जाए, ये कुक ना हो जाए। तो चलिए इसे हम मीडियम हीट पे लगातार चलाते हुए पकाएंगे। दोस्तों ये सभी लाइक करते हैं इसे, और जब कोई गेस्ट आपके घर आ रहे हैं तो वो ज़रूर बना के उन्हें दे, उन्हें काफ़ी पसंद आएगा। तो यहाँ पे मैं सेवैयों को लगातार चलाते हुए फ्राई कर रही हूँ और हीट को मीडियम पे रखा है। इसे हमें बहुत लाल नहीं करना है, रेड नहीं करना है। तो देख सकते हैं हमारा सेवई जो है रेडी हो चुका है, तो इसे हम हटा लेते हैं। और यहाँ पे हम मैंने मिल्क चढ़ा दिया है, और मिल्क आप दोस्तों फुल क्रीम या लो फैट भी ले सकते हैं। अब इसे जब तक इसमें बॉयल आ रहा है तब तक चलिए हम चिया तैयार कर लेते हैं और कस्टर्ड मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 स्पून चिया लिया है, इसमें मैं डाल रही हूँ मिल्क। मिल्क दोस्तों हल्का सा गर्म है ताकि चिया हमारा जल्दी से उसमें सोख कर ले, और इसे हम छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए जब तक कि हमारा ये कस्टर्ड रेडी होगा, तब तक हमारा चिया रेडी हो जाएगा। अब हम कस्टर्ड हैं, तो यहाँ पे मैंने 2 स्पून कस्टर्ड पाउडर है और उसे मैं मिल्क में मिक्स कर रही हूँ। दोस्तों इसे अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसमें कोई भी गुठलियाँ ना रह जाए, लम्स नहीं रह जाए। तो यहाँ पे मैंने इसे मिल्क में अच्छे से मिक्स कर लिया है, आप देख सकते हैं इसमें कोई लम्स नहीं है। तो इधर हमारा मिल्क जो है सो भी बॉयल हो चुका है, देखिए इसमें उबाल आ गया है। तो इसमें अब हम डाल देंगे सेवैया। और इसे अब हम कुक करेंगे जब तक कि हमारा सेवई अच्छे से पक ना जाए। दोस्तों इसे बीच बीच में चलाते रहना है ताकि ये नीचे से बैठे नहीं, नहीं तो ये तले में बैठ जाता है। और हीट को अभी हम मीडियम पे रखे हैं, तो इसे मीडियम हीट पे ही बनाना है। अभी मैं डाल रही हूँ केसर और इसे हम मिक्स कर लेते हैं। केसर ऑप्शनल है दोस्तों, अगर आपके पास केसर नहीं है तो इसे लीव भी कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ कस्टर्ड जो मिक्स किया था, इसे एक बार फिर से मिला लेती हूँ ताकि नीचे जो पाउडर बैठ जाता है कई बार तो अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अब इसे हम इसमें मिला के पकाएंगे। इसे दोस्तों बहुत थिक नहीं करना है, इसे हम थोड़ी देर पकाएंगे। इसे दोस्तों लगातार चलाते रहना होगा, नहीं तो ये तले में बैठ जाता है। और हमारा अब कस्टर्ड जो है सो रेडी हो चुका है, देखिए ये मिक्स अच्छे से हो चुका है। तो अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और अब मैं यहाँ पे चीनी डालूँगी। चीनी दोस्तों आप बीच में भी डाल सकते हो, लेकिन मैं बाद में डालती हूँ। यहाँ पे मैंने हाफ बाउल चीनी लिया है, आप चाहे तो इसे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ज़्यादा या कम कर सकते हैं। चलिए इस चीनी को अच्छे से हम मिला देते हैं और इसे अब हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। आप इसे फ्रिज में रख सकते हैं, इसे हम फ्रिज में रख देते हैं 1 आवर के लिए ताकि ये अच्छे से कोल्ड ठंडा हो जाए। चलिए तब तक हमारा चिया भी अच्छे से रेडी हो चुका है, तैयार हो चुका है, तो हम इसे सर्व करते हैं। सबसे पहले हम चिया डालेंगे।
अब इसमें डालूंगी कस्टर्ड सेवैया, ठंडा हो चुका है। दोस्तों यहाँ पे मैंने मैंगो लिया है क्योंकि मैंगो का सीजन है, तो यहाँ पे मैंगो डाल रही हूँ। आप यहाँ चाहे तो कोई भी फ्रूट्स रख सकते हैं। इसमें फिर से चिया डाल रही हूँ। इसे हम डालेंगे टूटी फ्रूटी। इस तरीके से हमारा सेवैया कस्टर्ड फालूदा रेडी हो चुका है, सेवैया कस्टर्ड डिजर्ट रेडी हो। तो चलिए इसे मिक्स कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि इसका कितना अच्छा कलर आया है। थैंक यू।